नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दही पोटोल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने एक मिक्सर बोल ली हूँ, इसमें थोड़ा सा अदरक डाली हूँ, थोड़ा सा भीगे हुए काजू डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये खसखस या पप्पी सीड बोल सकते हो, वो डाली हूँ 2 चम्मच। दही डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट हमारी बन चुकी है। यहाँ पे मैंने परवल लिए हैं, जिसको छील के अच्छी तरह से धो के काट लिए हैं, थोड़ा थोड़ा चीरा लगा लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिए है, उसमें परवल को थोड़ा पका लेंगे। इसको लाइट ब्राउन होने तक पका लेना है। परवल को बंगाली में पोटल बोलते हैं, इसीलिए इसको दही पोटल नाम दिया है। देखिए यहाँ पे जो मिक्सर मैंने बना के रखे थे वो डाल रही हूँ। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक हमको थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हम पहले से नमक डाले थे परवल में। थोड़ा सा शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो। इन सभी को मिक्स करते हुए मैं 5 मिनट तक पका ली हूँ। देखिए मसाले से तेल अच्छे से निकल चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसको मीडियम आँच पर मैं 3 से 4 मिनट तक और पका लूँगी। देखिए 4 मिनट के बाद परवल हमारे अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल तैयार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।